भारतीय टीम के बेहतरीन बॉलर, फास्ट बॉलर जिन्हें गेंदबाज, तेज गेंदबाज भी कहा जाता है, भुवनेश्वर कुमार, जो कि जिला मेरठ के जन्मे हुए एक निवासी हैं। दोस्तों, इस टाइम जो हम खड़े हुए हैं वो देख सकते हैं, ये एक पार्क है जो भुवनेश्वर कुमार के घर से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। तो आज आपको मैं लेकर जाऊंगा उनके घर पर और उनके स्थानीय निवासियों से, यहाँ के जो कुछ स्थानीय निवासी हैं उनसे भी बात कराएंगे, उनसे भी रूबरू कराएंगे, अगर कोई मिलता है उनसे इंटरव्यू कराएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करते चलिए। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आपको लेकर चलते हैं भुवनेश्वर कुमार के घर पर। आप आइए मेरे साथ में, ये गेट आप देख सकते हैं, छोटा सारा गेट है, यहीं से निकल के जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम पहुंच गए हैं भुवनेश्वर कुमार के घर पर, जो इंडियन टीम के एक बहुत बड़े बॉलर, जांबाज बॉलर हैं, और हमारे साथ बने हुए हैं यहीं के स्थानीय निवासी, जो कि जिनसे मैं इंटरव्यू लूँगा। आप देख सकते हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही मकान जो है, ये जो देख रहे हैं आप, यही भुवनेश्वर कुमार का है। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, अभिषेक भाई ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मेरठ का ही रहने वाला हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा, तो ये जो घर है ये भुवनेश्वर कुमार का ही है? हाँ जी, हाँ जी, भुवनेश्वर कुमार जी का है। अच्छा अच्छा अच्छा, भुवनेश्वर कुमार जी जो लास्ट टाइम आए थे वो कब आए थे? मैंने फिलहाल इनकी शादी में देखा था, जब यहाँ बारात चढ़ी थी घोड़ी। अच्छा, हाँ जी, यही फिलहाल देखा, दूर से ही देखा था मैंने। अच्छा अच्छा, तो ये इन्हें जो मतलब मुंबई, अब इस टाइम ये यहाँ पर हैं या मतलब बाहर? आइडिया नहीं है सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये लास्ट टाइम आपने जो बताया कि इनकी शादी में ही आपने देखा था, मतलब इस मेन गेट पे आप देख सकते हैं कि मेन गेट है, इस कॉलोनी का मेन गेट यही है, आप देख सकते हैं इधर, और इसी मेन गेट से मतलब बारात अंदर आई थी। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप देखिए ज़रा घर की लोकेशन देखिए। तो मैं इसमें आपको ये चारों तरफ से लोकेशन दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं सिर्फ एक सवाल मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, आप भी मेरठ के हैं और भुवनेश्वर कुमार भी मेरठ के ही हैं, तो जी, आपको कैसा लगता है कि आज वो इतनी बुलंदियों पहुँचे हुए हैं? सर, हमें तो बहुत गर्व की बात है, मेरठ वासी हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे भैया भुवनेश्वर जी मेरठ के हैं। हमें शान होता है, हम भाई भुवनेश्वर कुमार के स्थानीय से हैं। जी जी, हमें बहुत गर्व होता है, और इंडिया टीम के शान है वो, तो बॉलर हमारे लिए जी जी हर बॉलिंग पे बढ़िया दिखाते हैं। फिलहाल अभी खेल नहीं रहे वो, फिलहाल तबीयत ठीक हो ना करने का, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है वो जी, भारत के गर्व शान की बात है हमारे लिए तो। जी 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 जी, तो देखा आपने, भाई ने बताया कि मेरठ वासी हैं ये और इन्हें इतना अच्छा लगता है। तो दोस्तों उनके बारे में हम कुछ और रोचक आपको बातें बताएंगे, जब तक आप विजिट करिए ये मकान। कैमरामैन शजाउल अली से कहना चाहता हूँ, ये ज़रा क्लोज करके शुरू से दिखाइए, और ये पूरा ही मतलब देख सकते हैं आप। भुवनेश्वर कुमार का जन्म 5 फरवरी 1990 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम किरण पाल सिंह है, जो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। इनके पिता का 63 साल की उम्र में ही निधन हो गया था। भुवनेश्वर कुमार के पिता किरण पाल सिंह कैंसर के पीड़ित थे। इनकी माता का नाम इंद्रेश सिंह है। भुवनेश्वर कुमार की एक बहन जिनका नाम रेखा है, भुवनेश्वर कुमार की बहन ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए काफ़ी हौसला बढ़ाया था और उन्हें क्रिकेट कोचिंग सेंटर ले गई। देख सकते हैं यही है भुवनेश्वर कुमार का घर, कितना खूबसूरत बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसका चारों तरफ का व्यू और ये सामने की लोकेशन। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेरठ उत्तर प्रदेश से की है। उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की और अपने क्रिकेट करियर पर पूरा फोकस किया। उन्होंने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है। भुवनेश्वर कुमार ने 25 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ T20 में और 30 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। भुवनेश्वर कुमार ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर ही पाकिस्तान कप्तान मोहम्मद हफीज़ को क्लीन बोल्ड किया था। इसी के साथ वे अपने करियर की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले दुनिया के 17वें और भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए। भुवनेश्वर कुमार ने 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई थी और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी कराई थी। 23 नवंबर 2017 को भुवनेश्वर कुमार ने नूपुर नागर नाम की एक लड़की से शादी कर ली। वे नवंबर 2021 में अक्षा नाम की एक बच्ची के पिता बन गए। भुवनेश्वर को 2021 T20 विश्व कप के लिए भी भारतीय टीम में चुना गया था और 2022 के एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार ने लाजवाब प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये लोकेशन और ये व्लॉग, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।